और जी किदां, मैं क्या सारे ठीक ठाक हो। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मखीजा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिल्ली प्रॉपर्टीज पर। तो दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक 2 BHK फ्लैट जो कि उत्तम नगर मोहन गार्डन जैन रोड पर सिचुएटेड है। फ्लैट्स की सारी जानकारी देने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जैसे हमारा ये फ्लैट जो है हमने बनाए हैं, ये हमारा टोटल प्लॉट एरिया जो है 165 गज का है। 165 गज के अंदर हमने 3 फ्लैट जो हमने 55-55 गज के बनाए हैं, जो कि सारे के सारे 2 BHK फ्लैट्स मिलते हैं आपको। 2 हमारे फ्रंट साइड के अंदर है, 1 फ्लैट हमारा बैक साइड के अंदर है। फ्लैट को दिखाने से पहले मैं आपको ले चलता हूं अपने फ्लैट के फ्रंट एलिवेशन की तरफ। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा इसका नियर बाई मेट्रो स्टेशन है वो द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन नियर बाई पड़ता है, और इससे आपको जो रोड की कनेक्टिविटी है, जो डिस्टेंस पड़ता है, वो 600 से 700 मीटर का होगा। आपको ई रिक्शा कनेक्टिविटी यहाँ से ईजिली मिल जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, लाइट, पानी और आपको सेवा की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पूरा प्रॉपर यहाँ पर ये डेवलप एरिया है। एमिनिटीज की बात करूं तो यहाँ पर आपको जिम, मार्केट और आपका ATMs वगैरह इजीली यहाँ पर मिल जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने फ्रंट एलिवेशन की तरफ। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने फ्लैट के फ्रंट एलिवेशन की तरफ। फ्रंट एलिवेशन दिखाने से पहले मैं दिखाना चाहूंगा, ये हमारा गली आ जाता है। आप मेरे राइट साइड पर देखेंगे तो आपको प्रॉपर यहीं से आपकी गाड़ी की एंट्री मिल जाती है, और रोड से आपको सेकंड फ्लैट आपका है जिससे आपको सीधा गाड़ी लेकर अपने फ्लैट के अंदर लगानी है। तो दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ फ्रंट एलिवेशन। ये हमारा फ्रंट एलिवेशन आ जाता है। फ्रंट एलिवेशन में भी आप देख सकते हैं हमने पूरे वही स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाई हुई है, और मैं आपको बता ही चुका हूँ हमारा 165 गज का प्लॉट एरिया, इसमें आपको गाड़ी पार्किंग ईजिली मिल जाती है। तो चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। तो आ चुके हैं हम अपने फ्लैट्स पे। फ्रंट एलिवेशन में आपको सारा दिखा चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे एक फ्लोर के ऊपर हमने 3 यूनिट बनाए हैं, तीनों के तीनों आपको 55-55 गज के अंदर 2 BHK फ्लैट्स मिलने वाले हैं। तो पहला मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा फ्रंट साइड का आपको एक फ्लैट ये आ जाता है। ये भी हमारा 2 BHK फ्लैट है। सेकेंड फ्लैट ये भी हमारा फ्रंट साइड का है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इसके साथ ही मेरे लेफ्ट हैंड पे भी आप देख सकते हैं कि एक फ्लैट हमने बैक साइड में भी 55 गज के अंदर 2 BHK फ्लैट बनाया है। तो चलते हैं अपने फ्लैट के अंदर। फ्लैट में ले जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हमने इसमें डोर का काम किया, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग में आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे बोर्ड के अंदर, और फ्लश जो हमने लॉक किया, फ्लश वाला जो लॉक दिया आपको, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हम इसमें आपको लगा कर दे रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने लिविंग एरिया की तरफ। ये हमारा लिविंग एरिया आ जाता है। लिविंग एरिया की अगर डायमेंशन की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे स्पेस के अंदर हमने यहाँ पर अपना लिविंग एरिया तैयार किया हुआ है। पूरा वही डिजिटल वर्टिफाइड टाइल्स हम इसमें आपको लगा कर दे रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं ये हमारा वॉलपेपर काफ़ी अच्छे डिजाइन के अंदर हमने ग्रे कलर का इसमें थीम दिया हुआ है, और यहाँ पर इस बार ही आपको वॉल के ऊपर भी हम फॉल सीलिंग कर दे रहे हैं, जिससे आपका प्रॉपर बहुत ही अच्छा लुक आने वाला फ्लैट का। आप इसमें अपने वही कोई भी गिफ्ट आइटम्स या अपना फोटो फ्रेम्स वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं। अब इसके अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे डिजाइन के अंदर हमने इसमें फॉल सीलिंग तैयार किया हुआ है। आपको एक इसमें शैंडिलियर लगा के दे रहे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे डिजाइन के अंदर हमने इसमें शैंडिलियर लगा के दिया है। 2 फैंस इसमें हम आपको लगा कर दे रहे हैं, मतलब किसी चीज की हमने कमी नहीं छोड़ी है फ्लैट के अंदर। पूरा होटल लुक में हम आपको ये फ्लैट तैयार करके दे रहे हैं। इसके साथ ही मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर भी हमने आपको स्प्लिट एसी की वायरिंग करके दी है, जो कि पूरा कॉपर के अंदर, हर बार की तरह हम बताते हैं कि हमारा ये पूरा जो भी होता है ब्रांडेड कॉपर के अंदर करके देते हैं। स्विचेस की अगर बात करूं तो आप ये देख सकते हैं पूरा कोना के अंदर, जो कोना ब्रांड है हमारा, सारे पूरे फ्लैट के अंदर हमने कोना ब्रांड के स्विचेस लगाए हुए हैं। इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर हमारा इंटरकॉम फैसिलिटी हम आपको देने वाले हैं, यहाँ पे अभी इंटरकॉम लगना बाकी है। तो लिविंग एरिया के बाद मैं साथ साथ ये भी दिखाना चाहूंगा, इसमें हम आपको एक टीवी पैनल भी लगा कर दे रहे हैं काफी अच्छे साइज के अंदर। देख सकते हैं आप इसमें 56 इंच तक का अपना टीवी यहाँ पर इजिली लगा सकते हैं। ब्रांड हमने आपको बता ही दिया, कोना के पूरे स्विचेस लगा के दे रहे हैं। यहाँ भी आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है, छोटा मोटा कोई भी आप सामान अपना रखना चाहते हैं रख सकते हैं। कबर्ड की मैं अगर बात करूं तो काफी अच्छे स्पेस के अंदर हमने आपको इसमें कबर्ड लगा के दिए, जिससे कि आप अपना कोई भी सामान इसमें इजिली लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ लिविंग रूम। लिविंग रूम के साथ मैं आपको ले चलता हूँ अपने किचन एरिया की तरफ। ये हमारा किचन आ जाता है। किचन में भी आप देख सकते हैं हमने ग्रेनाइट, इसमें जो पत्थर है वो ग्रेनाइट हमने इसमें यूज किया हुआ है। पूरा वॉल टू वॉल आप देख सकते हैं हमने इसमें भी आपको टाइल्स वगैरह लगा कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम आपको हिंडवेयर कंपनी का, जो ब्रांडेड कंपनी है, उसका हम आपको चिमनी लगा कर दे रहे हैं। चिमनी वेंटिलेशन पर्पज आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब मैं अगर इसकी कवर्ड की बात करूँ तो देख सकते हैं काफी अच्छे स्पेस के अंदर हम इसमें आपको कवर्ड वगैरह बना के दे रहे हैं, जिसमें आप अपना डेली यूज के कंटेनर्स वगैरह रख सकते हैं। इसके साथ
ये हमने जो कबर्ड बनाए हैं पूरा स्टेनलेस स्टील के साथ हैं, इसमें आप अपने यूटेंसिल्स वगैरह इजीली लगा सकते हैं। इसके साथ यहाँ भी हमने आपको कबर्ड बना के दिया है जिसमें आप डेली के छोटे मोटे जो भी अपने बर्तन वगैरह होते हैं वो इसमें लगा सकते हैं। ये आपका सिलेंडर एरिया आ जाता है, आप इसमें 2 से 3 सिलेंडर इजीली इसमें रख सकते हैं। अगर मैं सिंक के पास बात करूं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ब्रांडेड टैप्स लगा के दिए हैं आपको क्रिस्टल के, ड्राइवर के साथ पूरे हमारे टैप्स आ जाते हैं। ये वही हमारा, हम यहाँ पर आपको आरओ का वैसे हमने ऑप्शन दिया होता है बट हम इसमें आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप इसमें अपने बर्तन वगैरह कोई भी छोटे मोटा सामान रख सकते हैं। वेंटिलेशन की बात करूँ तो इधर हमने शॉफर दिया हुआ है विद, आप देख सकते हैं मॉस्किटो नेट इसमें हमने लगाया हुआ है, पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन आपको यहाँ से मिल जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अब अपने हम कॉमन वॉशरूम की तरफ। कॉमन वॉशरूम की अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे स्पेस के अंदर हमने यहाँ पर वॉशरूम तैयार किया हुआ है। फ्लोरिंग में आप देख सकते हैं हमने एंटी स्किड पूरा टाइल्स लगाया हुआ है जिससे आप नहाते नहोते इसमें स्लिप नहीं होते हैं। अब वॉल्स पे देखते हैं, हम आपको जैसे हर बार की बताते हैं कि हम पूरा वॉल टू वॉल टाइलिंग करके देते हैं, बहुत अच्छे कलर डिजाइन के अंदर हमने इसमें टाइल यूज किया हुआ है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आपको गीजर का प्रोविजन दिया हुआ है, आप अपना गीजर यहाँ इजिली लगा सकते हैं। साथ ही अगर इसके शॉवर्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे भी आपको स्टेनलेस स्टील के अंदर शॉवर लगा के दिया है। टैब हमारे विद डाइवर्टर होते हैं सारे, आप देख सकते हैं डाइवर्टर के साथ हमने यहाँ पर आपको टैब लगा के दिया है। अब मैं शीट की बात करूँ तो गोल्डवेयर कंपनी का इसमें हम आपको शीट लगा कर दे रहे हैं। इधर आपका वॉश बेसिन आ जाता है, वॉश बेसिन में भी आप देख सकते हैं ठंडे गर्म पानी दोनों का हमने ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों अब अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। फर्स्ट बेडरूम के अगर डायमेंशन की बात करूं तो पूरा 10x11 का हमारा डायमेंशन एरिया आ जाता है। अब इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हमने वॉलपेपर यूज किया, बहुत ही अच्छा लुक के अंदर 3D वॉलपेपर हम इसमें आपको लगाकर दे रहे हैं। वॉल सीलिंग में आप देख सकते हैं स्क्वायर के अंदर हमने इसमें फॉल सीलिंग लगाया हुआ है, येलो कलर का इसमें कॉब्ल हम आपको थीम के दे रहे हैं। और साथ ही आप बहुत ही अच्छे डिजाइन के अंदर आप देख सकते हैं हमने फॉल सीलिंग तैयार किया हुआ है। फैन भी हम इसमें आपको इस रूम में भी लगा कर दे रहे हैं। वेंटिलेशन की अगर बात करूं तो यहाँ पर हमने शॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपना विंडो एसी भी प्लेस कर सकते हैं और यहाँ से आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हम इसमें आपको वार्डरोब बना के दे रहे हैं, काफी अच्छे स्पेस के अंदर हम यहाँ पर आपको वार्डरोब बना के दे रहे हैं। यहाँ पर आपको कोट हैंगर हम हैंगिंग करके लिए आपको रोड लगाई हुई है, आप अपने कोट्स वगैरह साड़ी वगैरह यहाँ पर हैंगर कर सकते हैं। ऊपर भी काफी अच्छे स्पेस के अंदर कवर दिया हुआ है, आप अपना सामान इजीली रख सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको शू रैक मिल जाता है, आप अपने शूज वगैरह भी यहाँ रख सकते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हम आपको एक टीवी पैनल बनाकर दे रहे हैं जो कि काफी अच्छे स्पेस के अंदर हम आप अपना टीवी यहाँ लगा सकते हैं। अगर मैं स्विचेस की बात करूं तो हर मतलब वॉल के ऊपर हम आपको हर कॉर्नर पे स्विचेस लगा के दे रहे हैं जिससे आपको कोई कमी नहीं आने वाली, कि आप कहीं पर भी अपने मोबाइल या लैपटॉप इजिली लगा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। सेकेंड बेडरूम की अगर बात करूँ डायमेंशन की तो आपको पूरा डायमेंशन इसमें 10x10 का डायमेंशन मिल जाता है। साथ ही आपको दिखाना चाहूंगा इसमें जो हमने बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर तैयार किया है, 3D वॉलपेपर जिसको हम कहते हैं, हमारा 3D वॉलपेपर्स होते हैं सारे। और ये सामने आप देख सकते हैं लैम्प शेड भी हम इसमें आपको लगा कर दे रहे हैं। साथ ही आपको फॉल सीलिंग दिखाना चाहूंगा, वो स्क्वायर के अंदर हमने फॉल सीलिंग डिजाइन तैयार किया हुआ है। कॉब लाइट LED लाइट हम इसमें आपको लगा कर देंगे। इसके अगर साथ में मैं बात करूँ यहाँ पर हम आपको एक TV पैनल भी बनाकर दे रहे हैं, जैसे कि आपको सेकंड में भी TV पैनल दिया, मैंने लिविंग एरिया में भी TV पैनल दिया, तो हम इसमें भी आपको एक TV पैनल बना के दे रहे हैं काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ। इधर आपको देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री मिरर भी लगा कर दे रहे हैं जिसमें आप सुबह, हमारा ये अटैच वॉशरूम है, सुबह नहा धोकर फ्रेश होते हैं तो आप अपना यहीं तैयार हो सकते हैं। अब मैं इसको दिखाना चाहूँगा इसमें भी हम आपको एक वार्डरोब बना कर दे रहे हैं, ये आपका वार्डरोब आ जाता है काफ़ी अच्छे स्पेस में। यहाँ पर भी आप अपने पूरी फैमिली के फैब्रिक्स वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं। ऊपर भी काफ़ी अच्छे स्पेस के अंदर कवर दिया, वहाँ भी आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं। नीचे हमने इसमें भी आपको शू रैक बना के दिया है, आप इसमें अपने शूज़ वगैरह इजीली लगा सकते हैं। अब इसके साथ मैं दिखाना चाहूँगा वेंटिलेशन पर्पस, ये हमारा विंडो आ जाता है। विंडो भी आप देख सकते हैं पूरे हमने नेट, मॉस्किटो नेट भी इसमें यूज़ किया हुआ है, ग्लास वाला भी आपको यहाँ से मिल जाता है कि आप दोनों विंडो खोल के प्रॉपर वेंटिलेशन ले सकते हैं। इसके साथ अब मैं दिखाना चाहूंगा अपना कॉमन वॉशरूम, ये हमारा अटैच वॉशरूम आ जाता है। अटैच वॉशरूम में भी आप देख सकते हैं काफी अच्छे स्पेस में हमने वॉशरूम तैयार किया हुआ है, वही वॉल टू वॉल प्रॉपर आपको टाइलिंग का काम करके दे रहे हैं।
यहाँ से आपको वेंटिलेशन मिल जाता है, हमने यहाँ पे विंडो दिया हुआ है, आप अपना एग्जॉस्ट वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं। ये आपका वॉश बेसिन सेक्शन आ जाता है, वॉश बेसिन हमने आपको लगा के दिया, पूरा ब्रांडेड स्टील स्टेनलेस स्टील के हम इसमें टैप वगैरह यूज कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ भी हम आपको शॉवर लगा कर दे रहे हैं, नीचे आपको विद डायवर्टर आपको टैप्स वगैरह मिल जाते हैं। ये आपका वही गोल्ड वे का हम यहाँ पर शीट बनाकर दे रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर आप अपना गीजर लगा सकते हैं, गीजर का प्रोविजन हम आपको करके दे रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम अपने बालकनी एरिया की तरफ। ये हमारा बालकनी एरिया आ जाता है, बालकनी एरिया भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे स्पेस के अंदर हमने यहाँ पर बालकनी तैयार की है। ये आपका वॉशिंग मशीन सेक्शन आ जाता है, यहाँ पर अपना वॉशिंग मशीन बाहर के बाहर लगाकर अपने कपड़े वगैरह इजीली धो सकते हैं। साथ ही मैं दिखाना चाहूँगा जो हमारी ये गली है, पूरी साफ सुथरी गली है, सामने ही आपका जैन रोड आ जाता है, यहीं से आपको सीधा गाड़ी लेकर अपने फ्लैट के अंदर आना है। तो चलते हैं दोस्तों, बाकी की बातें मैं आपको अंदर करता हूँ अपने लिविंग एरिया की तरफ। तो दोस्तों फ्लैट तो मैं आपको पूरा दिखा चुका हूँ, और फ्लैट मुझे पता है कि बहुत ही सुंदर काम किया हमने इस फ्लैट के अंदर, तो आपको पसंद आना ही वाला है। अगर इसके प्राइस की बात करूं तो मैं इसका प्राइस आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे चैनल दिल्ली प्रॉपर्टी हब को सिर्फ लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, और हो सके तो एक कमेंट देना है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे फ्लैट्स लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ इसके बात जो हमारी बैंकिंग के रिगार्डिंग बातें होती हैं तो मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। हमारी ये पूरी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती हैं, रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी होती हैं, इनमें आपको 80-90% का लोन फंडिंग इजीली मिल जाता है। और रही बात आपको जो कनेक्टिविटी है वो पूरी इजीली मिल जाती है, मेन रोड से आपको कोई जिगजैग रोड नहीं आना, सीधा एक रोड पे ही आकर आपको अपने लेफ्ट लेते ही आपको अपने फ्लैट पर आ जाना है। तो दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। तो इसके साथ चलता हूँ, संदीप मखीजा को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।